Hello guys, welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं इसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 15,245 और ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था 15,170। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी इंडेक्स, ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है, फर्स्ट टारगेट के लेवल के पास ओपन हुआ और यहाँ से सेकंड टारगेट के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया और ये टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ। काफ़ी चौपी मार्केट था और लास्ट सेकंड हाफ जब बचा था तभी एक ज़बरदस्त डाउनफॉल दिखाई दिया। तो यहाँ पर जब जब ये टूवर्ड साउथ की तरफ आ रहा था, एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा था और ऊपर ये जो टारगेट्स लेवल है, फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट, उसी के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया और जब ये फॉल आया था तभी एग्जैक्ट ब्रेकडाउन लेवल को एज ए सपोर्ट इसने टेस्ट किया और यहाँ से इसने लास्ट मोमेंट पे बाउंस बैक दिखाया। तो लेवल्स काफ़ी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एक्यूरेट साबित हुए। तो कल के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन एक बार वीकली चार्ट को देख लेते हैं। वीकली चार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पर हाइएस्ट क्लोजिंग लेवल निफ्टी का, आज तक का हाइएस्ट क्लोजिंग लेवल ये अराउंड 15,160 के पास था, 163 था। तो उसी के पास ये अभी निफ्टी इंडेक्स है पहुंच चुका है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर आप ये वीकली चार्ट देख रहे हैं, लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं, लास्ट कुछ पास्ट में चले जाए तो ये जो दो बुलिश कैंडल्स बनी है उनको अगर आइडेंटिफाई करें, एनालिसिस करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपर शैडो जो है वो काफ़ी लंबा छोड़ दिया है। तो इस कहीं ना कहीं इस जोन के पास 15,300 के पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये अगर ब्रेक होता है तो निफ्टी यहाँ से ज़बरदस्त अपसाइड मूव दिखा सकता है। 20 EMA का जब तक ये वीकली चार्ट में शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन जो है, हम इसे शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन के करके मान के चलते हैं, तो इसको जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक यहाँ से डाउनफॉल निफ्टी में नहीं देखा जा सकता है। यहाँ पर 20 EMA को सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक करेगा, तो जब तक 20 EMA के ऊपर है तब तक हम निफ्टी इंडेक्स में बुलिश ट्रेंड चल रहा है ऐसा मान के हम चल सकते हैं। तो 15,300 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेवल है, आप देख सकते हैं ये लंबे लंबे अपर शैडो यहाँ पर इसने छोड़ दिए, 15,300 का हाई लगा कर। तो कहीं ना कहीं इस लेवल के पास एक रेजिस्टेंस है। एक पॉजिटिव नोट ये है कि RSI को देखें वीकली चार्ट में तो इसने राइजिंग डबल बॉटम्स बना दिए, तो ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है, अपसाइड मोमेंटम का ये इनिशियल सिग्नल होता है। कंफर्मेशन के लिए इसको ये जो लेवल है ऑल टाइम हाई का, इसको कंफर्टेबली ब्रेक करना होगा, एक बुलिश कैंडल यहाँ पर बनते हुए नज़र आनी चाहिए, तो और तेज़ी निफ्टी इंडेक्स में हमें देखने को मिल सकती है। तो ये डेली चार्ट का सिनारियो है, वीकली चार्ट का सिनारियो था, अभी हम डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट में हमने कल यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था। निफ्टी एक बार फिर से 61.8% के लेवल के ऊपर क्लोज होने में फेल हुआ है, ठीक है, तो अभी ये अराउंड 50% के आसपास है। तो यहाँ से अगर इस लेवल को दो दिन यहाँ पर ये 50% का ये जो लेवल है 15,150 इसी के पास ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा है, कल अगर ये ब्रेक होता है और एक फिर से निगेटिव कैंडल बनता है, रेड कैंडल बनता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो यहाँ से और भी हमें गिरावट निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। तो ये डेली और वीकली चार्ट का सिनारियो है। चलते हैं अभी 60 मिनट की चार्ट में, कल के लिए लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अभी यहाँ पर ये जो यहाँ से स्विंग लो बनाए, ये स्विंग हाई बनाए, तो अगर हम इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करें यहाँ पर इन लेवल्स को पकड़ के, तो एग्जैक्ट अभी ये 23.6% के लेवल के आसपास आज ये क्लोज हुआ है। तो नीचे 20 EMA का सपोर्ट है, आर्ली चार्ट में देख रहे हैं हम, ये 60 मिनट का चार्ट है। तो कल के लिए भी हमारा जो ब्रेक डाउन लेवल होगा वो एज इट इज सेम होगा, 15,170 ये हमारा ब्रेक डाउन लेवल होगा और ऊपर की तरफ 15,245 ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। और कल के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 15,261, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 15,279, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो फर्स्ट टारगेट 15,154 होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 15,136, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स है कल के लिए।
बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी के भी आज के लेवल्स देखे तो काफ़ी एक्यूरेट साबित हुए। निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ इस रेंज के अंदर, ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट लेवल के रेंज के अंदर ओपन हुआ, और यहाँ से जैसे टूवर्ड साउथ की तरफ आए तो ब्रेक डाउन लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट को अचीव कर लिया। काफ़ी देर इस लेवल को ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा था, देखिए काफ़ी देर यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो रहा था और ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन लेवल का रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो जैसे ही फर्स्ट टारगेट को इसने ब्रेक कर दिया, सेकेंड टारगेट के पास ही इसने एग्जैक्ट सपोर्ट टेस्ट किया। काफ़ी देर इस लेवल के पास ये ट्रेड हो रहा था और यहाँ से बाउंस बैक होके जब ऊपर की तरफ आया फिर से इसने ब्रेक डाउन लेवल का यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है। तो बैंक निफ्टी में भी लेवल्स काफ़ी एक्यूरेट साबित हुए। 60 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। अभी बैंक निफ्टी में कल के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा ये 20 एमए के नीचे, यानी 20 एमए को हो सकता है ये फिर से सपोर्ट टेस्ट करे और बाउंस बैक हो, क्योंकि यहाँ पर 23.6% का भी लेवल आ रहा है। तो कम्प्लीटली ब्रेक होने दीजिए 34,476 को, तभी इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 34,367, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 34,250, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और ऊपर की तरफ निफ्टी इंडेक्स अगर चला जाता है तो ब्रेकआउट लेवल होगा हमारा अराउंड 34,757 के पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्ली चार्ट में क्लियरली नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ से एक स्विंग लो बना के ये बाउंस बैक हुआ था एक दिन पहले, तो इसको कंफर्टेबली ब्रेक करने दीजिए यानी अराउंड 34,757 को, तो ये इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 34,859, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 34,962, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये बैंक निफ्टी निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स है कल के लिए यानी वेनसडे 26 मई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।